हरे कृष्णा, मैं रघुपति राघव दास ISKCON रायपुर से। ये हमारा ISKCON मंदिर है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है ISKCON के नाम से, जिसकी स्थापना शिला प्रभुपाद जी के द्वारा की गई थी 1966 में। पूर्णतया शास्त्रों के माध्यम से, जैसे कि सबसे प्रमुख और मुख्य शास्त्र है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर आध्यात्मिक जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा व्यवहार आचरण और प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या किस तरह से व्यतीत होनी चाहिए, इनका मुख्य उद्देश्य है कि भगवान के नाम का प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु जी जो इस भारत भूमि में आए आज से 529 वर्ष पूर्व, और उन्होंने हमें एक मंत्र प्रदान किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कलयुग का महामंत्र कहलाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन आया है कि 16 अक्षरों का यह मंत्र है, जिसके जप मंत्र से हमारा हृदय शुद्ध होता है। यहाँ मुख्य तौर पर हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी भगवान के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, और उस दिन खास तौर से जितने भी दीक्षित भक्त हैं हमारे ISKCON के, सभी दिन भर व्रत रखते हैं। उस दिन खास तौर से हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिससे अधिक लोग भक्ति में जुड़ सकें, और बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है। प्रत्येक ISKCON मंदिर में 6 टाइम आरती होती है, 6 टाइम भोग लगता है, तो जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको आरती के समय कुछ प्रसाद दी जाती है, और हर ISKCON मंदिर में रविवार को एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंतर्गत सभी भक्तों जितने भी दर्शनार्थी आए हैं उस सभी के लिए मील प्रसाद की व्यवस्था की जाती है।